और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लापरवाही को लेकर फिर चर्चे में आया सदर अस्पताल, प्रसूति महिला की हुई मौत, एसडीएम व प्रशिक्षु आईएएस ने की जांच पड़ताल, डॉक्टर सर्जना शर्मा की लगी क्लास। गांडे गोलीकांड का हुआ पटाक्षेप, साजिशकर्ता व शूटर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। और बस पड़ाव में हुआ कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन, हर साल स्वर्गीय बबलू आजाद की याद में संचालित होती है शिविर, कांवरिया बंधुओं की जाती है सेवा। जान ले ली। घटना के बाद एसडीएम विजय जाधव, प्रशिक्षु आईएएस प्रेरणा दीक्षित आदि ने जांच पड़ताल कर डॉक्टर सर्जना की जमकर क्लास ली। चिकित्सकों की लापरवाही से सदर अस्पताल में मौतों की फिहारिस्त लंबी होती जा रही है। रविवार को भी एक प्रसूति महिला की मौत डॉक्टर की लापरवाह रुख के वजह से हो गया। बताया गया कि जोगीटांड के रहने वाले मोहम्मद सलीम प्रसव पीड़ा से कराहती अपनी पत्नी शाहिदा खातून को लेकर सदर अस्पताल पहुँचे। यहां इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद ड्यूटी रजिस्टर में दर्ज चिकित्सक सर्जना शर्मा का ये इंतजार करते रहे। इंतजार जब लंबा हो गया तो दर्द से कराहती पत्नी को लेकर ये अन्य अस्पतालों का रुख करने को हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोहम्मद सलीम की पत्नी ने कुछ देर छटपटा कर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल की नोडल ऑफिसर प्रेरणा दीक्षित अस्पताल पहुँची और जाँच पड़ताल शुरू की। वहीं जानकारी मिलते ही एसडीएम विजय जाधव भी अस्पताल पहुंची और चिकित्सक की जमकर क्लास ली। बताया गया कि प्रथम दृश्य यह लापरवाही का मामला ही प्रतीत होता है, फिर भी आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। हेलो, बाहर ट्रिप पे लादा है, उसका हाथ में लगे मरा हुआ ले गया, वहाँ तो बैठा दिया। मतलब हम लोग जान रहे थे कि वो डेथ कर गई। आप मैडम 10 बजे घर गए थे, ऑब्वियसली आपने 6-7 घंटे की नींद भी नहीं होगी, सुबह उठ के आप एक बार तो राउंड मार के बाहर। मैडम सही बात बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं भाई, मतलब मेरी तबीयत खराब है। काम क्यों नहीं करते, काम लिख के दीजिए आप, एकदम लिख के दीजिए कि काम नहीं हो रहा है। छोड़ दीजिए ना, समझ नहीं होता आपसे, क्यों ले रहे स्ट्रेस? व्हाई आर यू टेकिंग ऑन योर माइंड, योर सोल, योर नर्व्स, योर अनु, योर बोल रहे सर, हमें वैसा ड्यूटी दी है कि हम लोग एकदम लगातार बैठ के ऐसे ऐसे ड्यूटी दे मांगे हम लोग भी बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं। छोड़ दीजिए, नहीं तो क्या चाहिए, छोड़ दीजिए नौकरी, छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं कि हमसे नहीं, सरकार ने सवाल किया है तो सरकार दिया, सरकार बाहर किया है तो सरकार 9 बजे भी आने को बोला है। नहीं, आपने पहले से यहाँ पेशेंट नहीं मरा है और आप मेरे को बहस कर रही है। बहस नहीं, रिकॉर्ड कर दीजिए पूरे इस बात को, मैडम से टाइम पे आना नहीं हो रहा है एंड पेशेंट जब मरा है तब यहाँ पे डॉक्टर नहीं थी, क्या बोलेंगे वो यहाँ पे थे ऑन कॉल, हमारी जो ड्यूटी है मैडम, हम लोग उसमें डॉक्टर ठीक है, यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन है, डॉक्टर ठीक है यहाँ पे। इस तरह का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको पेशेंट द्वारा बताने, नर्स द्वारा बताने के बाद भी आप आए नहीं हैं और आप ये कैसे कह सकते हो कि हम ऑन कॉल डॉक्टर हैं। तो अगर जब कॉल किया गया था तो विदाउट चेकिंग आपने उसको इंजेक्शन रिकमेंड किया है, विदाउट चेकिंग आपके निग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो चुकी है, और जब डॉक्टर नहीं था तब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है परिजनों के पास कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए मजबूर था। और इसी केस था, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने के क्रम में इसी हॉस्पिटल की प्रिमाइसिस में उसकी डेथ हो चुकी है।
और गौरव की ऑब्जर्व करने की बात यह है कि उसके बीएचटी में उसका जो ब्लड प्रेशर लिखा है वो 100/18 है, उसका पल्स रेट नॉर्मल था, पेशेंट काफ़ी नॉर्मल था, जैसे यहाँ से कुछ गवाह हमको कह रहे हैं कि शी वॉज वेरी नॉर्मल बट शी वॉज अनअटेंडेड दैट्स व्हाई शी। इधर डॉक्टर सर्जना ने कहा कि उन्होंने पेशेंट को पर्सनली अटेंड नहीं किया लेकिन फोन से उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन दिया है। फोन कॉल जो जो बात हुई उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ है। सिस्टर ने बताया कि दिक्कत है, मैंने इंजेक्शन कहा, एमओ ऑन ड्यूटी को कहा, सारा चीज हुआ। उसके बाद मैं आने के क्रम में जब थी तो वो बोली कि वो पेशेंट चली गई, तो मैंने बाकी का हाल चाल लिया, बोली कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, मैं आती हूँ, सारी छुट्टी और वार्ड करूँगी जो मैंने की। तब तक तो वो डेट कर चुकी थी, तब तक तो इसी में मुझे उसके बारे में बहुत पता ही नहीं क्योंकि मैं उसको देख नहीं पाई। वो आई और मतलब जो भी दिक्कत हुई फिर वो चली गई बाहर, दूसरे जैसा कि बताया कि बाहर चली गई, फिर वहाँ से वो आई है तो वो ब्रॉड डेट आई है जैसा सिस्टर बताए, क्योंकि हम इसके गवाह नहीं। सोमवार के सुबह 9 बजे तक लगातार 48 घंटे ड्यूटी है, जिसमें शनिवार को ओपीडी थी और ये सारी ड्यूटी ऑन कॉल है कि जब कोई दिक्कत हो तो कॉल करके बुलाया जाए, कोई ऑपरेशन या कोई महिला या किसी भी तरह की इमरजेंसी में बुलाया जाए। इस मरीज के लिए सिस्टर ने कॉल किया कि मैडम उसको पेशेंट आई है जिसको 957 में कॉल किया, उसे उल्टी हो रही है, बिलियस जो हम लोग बोलते हैं, तो उल्टी हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैसिलॉग इंजेक्शन दो और एमओ ऑन ड्यूटी जो भी है उनको डॉक्टर साहब को दिखा और हम आते हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद बोली ठीक है मैडम, और हम बोले साथ में ये भी अपना ब्लड वगैरह जो होता है टेस्ट वगैरह सब भेजना, तो बोली ठीक है। वो करने लगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर में उसने कॉल किया कि मैडम वो पेशेंट जा रही है। बोले क्यों? तो बोले कि नहीं, वो लोग बोल रहे कि हमको अपनी इच्छा से दूसरी जगह ले जाएंगे। बोले ठीक है, हाँ मेरी बात सुनिए। तो बोली कि अपनी इच्छा से वो लोग ले जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है। बोले बाकी सब पेशेंट ठीक है? तो बोली हाँ, बोले ठीक है, सबकी छुट्टी उट्टी बना के रखो, जो हम लोग यूजुअल में आते हैं तो सबको देख के छुट्टी करेंगे और राउंड करेंगे पेशेंट। बोली ठीक है। बस इसके बाद ही अब बाकी जो हुआ, इसलिए मैंने उस पेशेंट को देखा नहीं, और जैसा पता चला सिस्टर से कि वो लोग लिख के फिर ले गए और किसी दूसरे अस्पताल में ले गए, फिर वहाँ से वो लाए तो बोले कैंपस में हुआ, सिस्टर से बताया, क्योंकि मैंने तो उसे देखा नहीं है। कुल मिलाकर चिकित्सक चाहे लाख सफाई दे दे लेकिन वस्तु स्थिति चिकित्सक के लापरवाही की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। एसपी सुरेंद्र झा ने पुराना पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने गांडे गोली कांड का खुलासा किया, साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों को मीडिया के सामने लाया। गांडे वीडियो गोलीकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने महज एक सप्ताह के अंदर ही कर लिया। कांड के मास्टरमाइंड दासदी मुखिया और उनकी प्रेमिका समेत कुल 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बता दें कि अपराधियों ने वीडियो प्रभाकर मिर्धा समेत 2 लोगों को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन एसपी सुरेंद्र झा के मजबूत सूचना तंत्र के कारण एक सप्ताह के अंदर ही मामले का पटाक्षेप हो गया। इस बाबत एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि अवांछित हालत में प्रखंड विकास पदाधिकारी गांडे द्वारा उन दोनों व्यक्तियों को थाना से पुलिस आने तक रुकने के लिए कहा गया था, तभी दोनों युवक तैस में आकर अपने कमर में रखे पिस्तौल से इन पर फायर कर दिया, जिससे यह घटना घटी थी। कांड के अनुसंधान के क्रम में इस घटना में जख्मी आजाद मंडल की पत्नी सुषमा देवी तथा गांडे प्रखंड के दासजी पंचायत के मुखिया हरि मंडल के बीच करीब 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई। इन्हीं दोनों के द्वारा सीताराम मंडल के माध्यम से 2 शूटर को आजाद मंडल की हत्या के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बताया गया कि मुखिया हरि मंडल, सीताराम मंडल, सुषमा देवी तथा एक शूटर सुधीर कुमार को रामगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके बताए अनुसार इस कांड में प्रयुक्त 2 पिस्तौल, 4 राउंड गोली, मोटरसाइकिल व मोबाइल को भी जब्त किया गया है। गांडे ब्लॉक के वीडियो के ऊपर गोली चली थी, उसके बाद इस संबंध में गांड थाना में 87/18 केस रजिस्टर किया गया था, क्योंकि उसमें वीडियो साहब के अलावा एक और व्यक्ति घायल था और जो क्राइम का मोडस ऑपरेंडी था, एक तरह से कह सकते हैं कि शूट आउट वाला शूटर था। ब्लाइंड केस देखते हुए
इसमें FSL, CID, डॉग एक्सपर्ट मदद लिया गया। साथ ही जिला के स्तर से एक SRT फ्रेम किया गया जिसका नेतृत्व SDPO सदर मनीष टप्पो और DSP1 मिश्रा साहब कर रहे थे। इनके अलावा STM इंस्पेक्टर राणा साहब और थाना प्रभारी गांडे और हमारे टेक्सेल और महिला ओसी थी। जैसे कि बताया जा रहा है आप लोगों को, आप देख पा रहे होंगे कि उस कांड में एक व्यक्ति आज़ाद को गोली लगी थी। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो ये पाया गया कि आज़ाद की पत्नी का इलिसिट रिलेशन वहाँ के मुखिया हरिमंडल के साथ था और ये काफ़ी पुराना प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच में से प्लानिंग हुई कि जब तक आज़ाद जिंदा रहेगा हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं या हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। दोनों ने प्लान किया क्यों ना आज़ाद को रास्ते चढ़ा दिया जाए और इसी प्लान के तहत दोनों सितारा मंडल से कॉन्टैक्ट किया और सितारा मंडल रामगढ़ जिले से 2 शूटर को बुलाया और उस शूटर के द्वारा उस शाम में आज़ाद के ऊपर गोली फायरिंग की गई। साथ ही चूँकि हम वीडियो साहब भी साथ में थे, उनका आज़ाद उठना बैठना था इसलिए वीडियो साहब पे भी गोली चली थी। उसके बाद ये सब वहाँ फायरिंग करने के बाद वहाँ से भाग गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद जो जो मामला आगे बढ़ा तो एक के बाद एक सारे रहस्य के पर्दे उठने शुरू हो गए। कैसे हम लोग उसकी पत्नी तक पहुँचे, कैसे हम लोग मुखिया तक पहुँचे और उसके बाद एक एक लीड में फिर हम लोग सितारा मंडल को उठाएँ और सितारा मंडल से फिर हम शूटर को रामगढ़ से SDP मनीष नेतृत्व टीम ने उठा लिया। कुल मिला के केस बिल्कुल ओपन हो चुका है। कांड में प्रयुक्त दोनों हथियार की बरामदगी आप देख पा रहे हो चुका है। 4 ड्रोन मिल चुका है, उसकी मोटरसाइकिल और सारे मोबाइल सीज कर चुके हैं। इस तरह कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग केस था, ब्लाइंड केस था जिसका कि एक समय रहते त्वरित गति से पूरे एविडेंस के साथ पूरे साक्ष्यों के साथ और सारे के सारे हथियार के साथ मोटरसाइकिल के साथ सीज करके ये टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। दुर्गा समिति बावन टोली द्वारा आयोजित वेदी स्थापन पूजन के तहत रविवार को प्रातः कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बावन टोली महादुर्गा समिति द्वारा दुर्गा मंडप बावन टोली में वेदी स्थापन पूजन का आयोजन किया गया है। बताया गया कि रविवार को प्रातः 7 बजे कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा की शुरुआत बावन टोली दुर्गा मंडप से हुई जो कालीबाड़ी मकतपुर होते हुए अर्घा घाट पहुंची। यहां पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा वापस बावन टोली दुर्गा मंडप पहुंचकर संपन्न हुई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। वहीं रविवार, सोमवार एवं मंगलवार को वेदी पूजन चंडी पाठ के बाद शाम को देवी भागवत की आरती की जाएगी। इधर बुधवार को प्रातः 10 बजे कन्या पूजन पूर्णाहुति के बाद 12 बजे भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। होटल गार्डन व्यू में शनिवार को रोटरी क्लब गिरिडीह ग्रेटर का 17वां पदस्थापना समारोह संपन्न हो गया। इस समारोह में सत्र 2018-19 के लिए नए पदाधिकारियों ने शपथ लिया। मौके पर रोटरी के कई गणमान्य लोग उपस्थित। रोटरी क्लब गिरिडीह ग्रेटर का 17वां पदस्थापना समारोह शनिवार शाम होटल गार्डन व्यू में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पालन 3250 रोटरियन कुमार प्रसाद सिन्हा, मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ उपस्थित थे। बताया गया कि सत्र 2017-18 के पदाधिकारियों ने अपना पदभार नए पदाधिकारियों को सत्र 2018-19 के लिए सौंपा, जिसमें अध्यक्ष विकास शर्मा, सचिव ज्योति प्रकाश गुप्ता, IBP सुबोध मोदी, सह सचिव विकास सिन्हा, उपाध्यक्ष भगवान दास भदानी, कोषाध्यक्ष अभिषेक छापरिया एवं आदि पदों के लिए अन्य नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है।
इस मौके पर डॉक्टर विद्याभूषण, मनमीत सिंह, श्री शेंदु सेन गुप्ता, चंचल भदानी, रश्मि गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। रुद्रेन विकास जी का एक नए अध्यक्ष के रूप में ये पदस्थापना समारोह हुआ है। यूं तो रुद्री में 1 जुलाई को ही प्रेसिडेंट चार्ज ले लेते हैं, लेकिन उसको एक समारोह के रूप में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ रुद्री के मंडलाध्यक्ष का एक ऑफिशियल विजिट होता है, और रुद्री मंडलाध्यक्ष जो पूरे बिहार झारखंड 3250 क्लब के एक मंडलाध्यक्ष होते हैं, जो रोटरी के क्लब के द्वारा जो पिछले साल जो गतिविधि की गई उसका एक इंस्पेक्शन करते हैं, और आने वाले साल के लिए जो रोटरी के अध्यक्ष होते हैं, जो उनकी टीम होती है, उनका क्या कार्यक्रम है, उनका क्या बजट है, उसके बारे में भी चर्चा होती है। ये सब कार्य आज किए गए। साथ साथ आज रोटरी क्लब ग्रेडिग्रेटर के द्वारा डीएवी सीसीएल में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इनका एक हैप्पी स्कूल है जहां हम कल उसका जाके वहां पर एक भ्रमण करेंगे, उसको देखेंगे, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य। सावन के पवित्र माह को लेकर बस स्टैंड परिसर में रविवार को कांवरिया शिविर का उद्घाटन किया गया। स्वर्गीय बबलू आजाद की याद में यह शिविर हर साल संचालित करवाया जाता है। स्वर्गीय बबलू आजाद की याद में रविवार को बस पड़ाव में कांवरिया शिविर का उद्घाटन पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश यादव के हाथों किया गया। मौके पर शिवम आजाद, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, मुकेश यादव, संतोष यादव, निखिल तिवारी, अजय तिवारी, अशोक यादव, श्याम हाड़ी आदि मौजूद थे। बताया गया कि हर साल शिवम आजाद इस शिविर का संचालन अपने पिता की याद में करते हैं। इस बार भी कांवरियों बंधुओं की सेवा इस शिविर के माध्यम से की जाएगी। भाइयों को सभी को शरबत फल का वितरण, उनको सारी सुविधा मुहैया कराकर सुल्तानगंज तक पहुँचाने का काम लगातार आजाद ग्रुप के द्वारा, स्वयं आजाद उनके तमाम सहयोगियों के द्वारा, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ पूरे शहरवासियों की ओर से, और शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार इनके पिता हमेशा सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य करते थे, आज उनके पुत्र भी, इनके पत्नी भी समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं किसी प्रकार समाज की सेवा करें, और गोल बम कोरिया संघ के जो लगातार हर वर्ष सावन के महीने में सेवा करते हैं, भगवान शुभ को इनका आशीर्वाद बना रहे, और तमाम रिवासियों की ओर से मैं जा रहे हैं तमाम गोल बम कोरिया संघ की तमाम माता बहनों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, और उनसे आग्रह है कि तमाम गुरडी का वासियों के लिए शांति का बाबा से आग्रह करके शांति व्यवस्था बना रहे, इसके लिए आग्रह करें। ताकि हर साल के इस साल भी अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय बबलू आजाद की याद में हम बस स्टैंड एजेंट एसोसिएशन आजाद ग्रुप के लोग फल और शरबत का शिविर लगाते हैं, जो हर सावन में लगाते हैं, और बाबा भोलेनाथ के पास जितने लोग यहां से दर्शन करने जा रहे हैं, हम यही कामना करेंगे गिरिडीह के लिए सुख समृद्धि और हमारे वार्ड के लिए सुख समृद्धि मार के आए, ताकि हमारा वार्ड और शहर शांतिमय और शांतिपूर्ण ढंग से चले। रविवार को आईना द्वारा अंबेडकर चौक पर आजादी के दीवाने नाटक की प्रस्तुति की गई। मौके पर कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों का मन जीत लिया। अंबेडकर चौक पर रविवार को आईना के साप्ताहिक नुक्कड़ नाटक में हम आजादी के दीवाने हैं नाटक की प्रस्तुति की गई। नाटक में दिखाया गया कि किस प्रकार आजादी के दीवाने विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों से लोहा लेने हेतु योजना बनाया जाता था, एवं आम भारतीयों को अपनी सोच से प्रभावित कर क्रांति का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती थी। इधर इस नाटक में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका पारस वर्मा, अशफाकुल्ला खान की भूमिका आदित्य, करतार सिंह की भूमिका संतोष वर्मा, भगत सिंह की भूमिका कृष्णा, बिस्मिल की भूमिका सागर ने निभाई। वहीं इस नुक्कड़ नाटक का लेखन
एवं निर्देशन महेश अमन ने की। मौके पर कई दर्शक मौजूद थे। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, जिनकी तस्वीर भगत सिंह अपने जेब में लिया घुमा करते थे, उनका नाम याद किया जाए। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। सरदार करतार सिंह सराभा। आप इस कूड़े का तो क्यों मान रहे हैं? किसने अपना लगान नहीं चुका है? ये तो डीजल चल नहीं सकता, आपका लगान कहाँ से चुकाएगा? मेरी इंडियन का बच्चा मौत को समझाएगा। हमें अपने खून को गर्म करने की आवश्यकता है। हमें बलिदान रूपी भट्टियों में ठोक देना होगा। अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ भारती आज़ाद हो, तो आओ हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मायना की साप्ताहिक नुक्कड़ नाटक की श्रृंखला में आज हम सबों ने हम आज़ादी के दीवाने नामक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। मित्रों, दो दिन के बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और साथियों हम सिर्फ एक दिन ही याद करते हैं अपने देश के उन नौजवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया। अगर ऐसा होता कि हम सालों भर ऐसे लोगों को याद करते रहते तो हमारे अंदर देश प्रेम का जज्बा बना रहता और हम देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे अपने आप को जोड़ पाते, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। हम सभी कलाकार रंगकर्मी ऐसा प्रयास करते हैं कि हम लोगों में जागृति लाएं, अपने नौजवानों को भटकने ना दें। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कई नौजवान हैं जो आज नुक्कड़ पेंट क्लब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा देते हैं। मैं बताता हूँ, जब ये लोग नुक्कड़ पे नाटक कर रहे होते हैं तो इनका रोंगटा खड़ा होता है, और कुछ क्षण के लिए ही सही मैं इन सबों के भीतर देशभक्ति की भावना भरने में सफल हो पाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कुछ भी करें, कहीं भी रहें, बस देश को याद करें, देश में फना होने वाले उन क्रांतिकारियों को याद करें, उन नेताओं को याद करें। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लापरवाही को लेकर फिर चर्चे में आया सदर अस्पताल, प्रसूति महिला की हुई मौत, एसडीएम व प्रशिक्षु आईएएस ने की जांच पड़ताल, डॉक्टर सर्जना शर्मा की लगी क्लास। गांडे गोलीकांड का हुआ पटाक्षेप, साजिशकर्ता व शूटर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। और बस पड़ाव में हुआ कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन, हर साल स्वर्गीय बबलू आजाद की याद में संचालित होती है शिविर, कांवरिया बंधुओं की जाती है सेवा। मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।